हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी वाल स्कूल खेल मैदान में HPL क्रिकेट लीग का शुभारंभ हो गया। शुभारंभ अवसर पर DSP हमीरपुर रेणु शर्मा ने शिरकत की। इस अवसर पर DYFI और प्रेस 11 के बीच में मैत्री मैच खेलकर लोगों को नशे से दूर रहने का आह्वान किया। HPL क्रिकेट लीग के संयोजक अनिल मनकोटिया भी इस अवसर पर मौजूद रहे। DSP रेणु शर्मा ने कहा कि क्रिकेट प्रतियोगिता से युवाओं को अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए एक मंच मिलता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए और नशे के खिलाफ आगे आना चाहिए ताकि नशे को जड़ से उखाड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए साथ दें। खेलने वाली टीमों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जो जीतेगा वो तो जीतेगा ही, ऑब्वियसली उसमें बहुत ज़्यादा योग्यता होगी, लेकिन जो हारेंगे भी वो इस बात को ध्यान में रखें कि खेलना, पार्टिसिपेट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जीतना और हारना तो इट्स ओके, तो जो भी खेले वो पूरी तन्मयता के साथ खेले और ये जो थीम है आप लोगों का इसको ध्यान में रखते हुए खेले। इस मैसेज को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फैलाएं। यही हम लोग, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की भी आप लोगों से गुजारिश है। प्रेस 11 के कैप्टन सुशील शर्मा ने बताया कि टूर्नामेंट नई दिशा प्रदान करेगा और नशे के खिलाफ जंग को बढ़ाने में सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से युवाओं को एक मंच प्राप्त होगा। को पता है कि यहाँ पे DYFI द्वारा जो है खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो खेल जो है वो अनुशासन को लाता है और अनुशासन की भावना जो है खिलाड़ियों में आती है। तो इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है ये युवाओं को नई दिशा प्रदान करेगा और युवाओं को प्रेरित करेगा कोई नशे इत्यादि से दूर रहें और वो जो खेलों की तरफ अग्रसर हों। HPL क्रिकेट लीग के आयोजक अनिल मनकोटिया ने बताया कि लीग के मैचों का आज से शुभारंभ हो गया है और नववर्ष के आगमन पर प्रतियोगिता का शुभारंभ DSP हमीरपुर से करवाया है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में विजेता टीम को 2 लाख रुपए, उपविजेता टीम को 1 लाख रुपए के अलावा अन्य पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रेस 11 वर्सेस DYFI 11 मींस ऑर्गेनाइजिंग 11 के बीच जो है हम शुरुआती फ्रेंडली मैच जो है हम हो रहा है और इसमें हमारे DSP मैडम रेणु जी मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर आ रही हैं और पूरे प्रदेश के अंदर ये HPL चला हुआ है। हमीरपुर के अंदर आज इसकी नव वर्ष के उपलक्ष्य पर शुरुआत हम कर रहे हैं और इसमें 2 लाख रुपया प्रथम पुरस्कार जो है इसमें दिया जाएगा, जो प्रदेश स्तर पर इसमें टीम प्रथम आएगी, और सेकंड प्राइज जो है इसमें 1 लाख रुपया और थर्ड और फोर्थ पोजीशन जो सेमीफाइनलिस्ट जो होंगे उनके लिए भी 50,000 रुपया जो है इसमें दिया जाएगा और नशा मुक्त हिमाचल के नारे के साथ हम ये इस कार्यक्रम का, इस क्रिकेट प्रतियोगिता का, हिमाचल प्रीमियर लीग का उद्घाटन आज हम यहाँ पर कर रहे हैं और एक अपील पूरे प्रदेश के नौजवानों से कि नशे से वो दूर रहें। नशा मुक्त हिमाचल का जो प्रयास भारत की जनवादी नौजवान सभा और हिमाचल प्रदेश सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज ग्रुप की तरफ से एक प्रयास है, उसमें आप सभी नौजवान समाज के जितने भी तबके के लोग हैं उसमें सहयोग करें और उम्मीद करते हैं कि जितने भी दिन तकरीबन 1 महीने तक ये टूर्नामेंट यहाँ पर चलेगा बॉयज स्कूल के ग्राउंड में, तो मेरी तमाम हमीरपुर की जनता से अपील है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो है वो सब लोग सहयोग करें।